हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सगौड़ा बनाने चल रहे हैं। ये हमने टमाटर लिया है, दो प्याज हमने छील लिया है, लहसुन है छीला हुआ, और ये अपना अदरक है थोड़ा सा, ये मिर्चा लिए है हमने, ये पालक को हमने धुल लिया है, इसको काटेंगे, उसके बाद फिर से धुलेंगे। ये पालक को हम बारीक काट रहे हैं, उसके बाद अच्छे धुले हैं, फिर से अच्छे से धुलना है दोबारा हमको। ये देखिए हमारा, ये हमारा बारीक पालक कट गया है, इसमें हरी धनिया हल्का सा हम काटेंगे, उसके बाद इसको हम साफ पानी से धुलेंगे दो बार। ये कट गया हमारा धनिया, अब इसको हम धुलेंगे। और ये हम पालक को अच्छी तरीके से धुल लिए हैं, और इधर हम बेसन को थाली में चाल लिए थे, एक कटोरी लगभग हमारा बेसन है, इसमें हम पालक को मिलाएंगे। ये हमारा पालक है, अब इसमें हम बारीक कटा हुआ इस तरह से प्याज मिलाएंगे, लंबा लंबा कटा हुआ। हल्का सा हमको हल्दी मिलाना है इसमें, थोड़ा सा मिर्चा पाउडर, हम इसमें नमक मिलाएंगे। अब इसको हम गोला बन मिलाएंगे, पहले मिला लेंगे तब हम पानी डालेंगे। देखिए इसमें हमको ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहले से मिल गया है, पालक भीगा हुआ था, बहुत हल्का हम पानी मिलाएंगे। इसको हम मिलाएंगे, ये देखिए थोड़े से पानी में मिल गया है ये इस तरफ से। इसको हम तेल में फ्राई करने चल रहे हैं, आपको हम दिखाने चल रहे हैं किस तरह फ्राई करते हैं। देखिए ये हमारा मिल गया, सूखा सूखा है, इसको हम फ्राई करने चल रहे हैं तेल में। हमारा तेल गर्म हो गया, इसे हम गोला गोला करेंगे, उसको तेल में डालेंगे। देखिए इस तरीके से हम गोला कर रहे हैं, गोला गर्म होने के ये हम डाल रहे हैं तेल में इसे। बाद में डालेंगे क्योंकि इसको हमको पलटना है। ये देखिए हम पलट रहे हैं धीरे धीरे, अब ये पकना चालू हो गया है, इसको हम और अच्छी तरीके से ब्राउन करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी, तो खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। इस तरीके से हम इसको पका रहे हैं, ये हमारा ब्राउन हो गया है, पक गया है, इसको हम चलने निकालने इसमें प्लेट में। ये देखिए इस तरीके से जो बचा हुआ है हम उसको डालेंगे। इस
इसको हम पूरा डालेंगे इसमें जो बचा हुआ है। ये हमारा इस तरह पूरा बनके तैयार हो गया है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे। देखिए हमारा इस तरफ से ये बनके तैयार हो गया है। अब हम मसाला तैयार करने चलें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है खिला खिला। ये हमारा सगौड़ा बनके रेडी हुआ है। इसमें हम टमाटर 2 पीस लिए हैं और ये हम पीसे हैं प्याज है, लहसुन, मिर्चा, अदरक। इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर दोनों हम पीस लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा मिलाएंगे मिर्चा पाउडर, बहुत कम मिलाते हैं क्योंकि तीखा हो जाता है, बच्चे नहीं खाना पसंद करते। और ये हम ले रहे हैं हल्दी पाउडर। और हम इसमें ये मसाला यूज करते हैं, ये हम कम लगभग आधा ले रहे हैं। ये देखिए हम प्याज काट लिए हैं एक बड़ा। अब इसमें हम जीरा डालने चल रहे हैं। देखिए तेल हमारा गरम हो रहा है, हम जीरा डाल दे रहे हैं इसमें। जीरा हमारा ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। इसमें हम मसाले को मिला ले रहे हैं जो भी निकाले थे पैकेट से। ये धनिया पाउडर है और ये जीरा पाउडर, ये भी दोनों हम मिलाएंगे। इसका हम पेस्ट तैयार कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह हम मसाले को फेंट के तब डालते हैं ताकि सभी एक साथ पक जाए अच्छे से। ये हम मसाले को मिला लिए हैं। ये देखिए हमारा प्याज लाल हो गया है। अब इसमें हम मसाला को डालेंगे।